आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन रीड करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आर मिक्स्ड ब्लेसिंग्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिटर्न ऑफ एमएनसी। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, यहाँ पे कोट दिया गया है कि वो मिक्स्ड होती हैं, उनके ब्लेसिंग होती है टू मिक्स्ड ब्लेसिंग होती है टू द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं उनके लिए एक मिक्स्ड ब्लेसिंग की तरह होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इस स्टेटमेंट के लाइट में हमें द रिटर्न ऑफ एमएनसी जो होती है एक्सप्लेन करना है एमएनसीज का रोल कि आखिर किस तरह से कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो मिक्स्ड ब्लेसिंग होती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है कि जो एमएनसी होती है वो मिक्स्ड ब्लेसिंग होती है, बिकॉज देर इज अ रीजन, क्योंकि एक ग्रेट नंबर ऑफ एडवांटेजेस भी होते हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम मेनली एडवांटेजेस की तरफ देखें कि इनके लिए एडवांटेजेस क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्या होती है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई एमएनसी डेवलप्ड कंट्री की है और अगर वो अनडेवलपिंग कंट्री में जाती है तो वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपनी साथ में लेकर जाती है। ओके, तो जो कंट्री जहाँ पे ये जा रही है वो कंट्री उस टेक्नोलॉजी को पाती है फ्रॉम द अदर कंट्रीज अदर देन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द कंट्री। गुड्स के अलावा के साथ साथ ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, प्लस इंक्रीज इन करियर ओके अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो उन्हें डेवलप कर रही हो, उन वहाँ के लोगों के लिए अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और माइग्रेट होके जाना, वो चीज़ यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो एमएनसीज होती हैं उस लेवल का जो जॉब है या उस लेवल की करियर डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही प्रोवाइड करती हैं। तो ये इस तरह के एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से एमएनसीज जो है यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। एट द सेम टाइम कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि एमएनसीज के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो यहां पे हो सकते हैं कि यहां पे जैसे कि इंक्रीज इन यहां पे क्या होता है कि जो लोकल होते हैं, लोकल जो ब्रांड होते हैं, लोकल ब्रांड उनको क्या मिलता है, एक टफ कंपटीशन मिलता है। ओके, एक टफ कंपटीशन मिलता है, टफ कंपटीशन। ओके, ये एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि जो है यहाँ पे एमएनसीज के लिए दिक्कत हो जाती है, एमएनसीज की वजह से दिक्कत होती है कंट्री के ओन जो है यहाँ पे ओन जो यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको। और इसके अगर और एडवांटेजेस को देखा जाए तो जैसे कि एमएनसी अगर ब्लेसिंग की जैसी यहाँ पे बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट की, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे होता है इंक्रीज होता है। अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये बहुत कम होता है, एडवांटेजेस इसके ज़्यादा होते हैं। ओके, जैसा कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स होता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें वो भी क्या होता है, कंट्री में इंक्रीज होता है। ओके, क्योंकि एमएनसीज खुद होम कंट्री से दूर आके अपना काम करती हैं यहाँ पे, तो इससे भी यहाँ पे भी जो है इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड ब्लेसिंग हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।